हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गाजर की खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो गाजर का हलवा तो आपने कई बार बनाया होगा, एक बार आप गाजर की खीर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में बेहद आसान है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो गाजर ली है, जिसे पहले अच्छे से धुलकर मैंने छील ली है। और मैंने यहाँ पे पतली पतली गाजर ली है क्योंकि थोड़ी मीठी होती है। अब हम गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। तो कद्दूकस का जो ये मीडियम वाला पार्ट होता है ना, मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ। आप चाहो तो मोटे साइड से भी आप कद्दूकस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पूरी गाजर कद्दूकस कर ली है। अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप चावल को 2 से 3 बार अच्छे से धुलकर 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। और मैंने यहाँ पे ये लंबे वाले चावल लिए हैं, बासमती राइस। आप कोई भी चावल ले सकते हो, आप टुकड़े वाले चावल भी ले सकते हो। अब मैंने यहाँ पे चावल का पानी निकाल दिया है और चावल को ना मैं हाथ से इस तरीके से क्रश कर रही हूँ ताकि चावल हमारे हल्के हल्के टूट जाएँ। आप चाहो तो मिक्सी में आप इसको दरदरा सा पीस सकते हो। तो बस चावल को मैंने हल्का हल्का क्रश कर लिया है, तो आप देख रहे हैं इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। तो ऐसा करने से ना जो हमारी खीर है वो एकदम गाढ़ी और क्रीमी बनेगी। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और इसमें मैं डाली हूँ 1 चम्मच देसी घी। घी के मेल्ट होते ही इसमें हम ग्रेट करी हुई गाजर डाल देंगे। तो पूरी गाजर हम इसमें डाल देंगे, साथ ही इसमें हम चीनी भी डाल देंगे। तो मैं इसमें 1/2 कप चीनी डाल रही हूँ। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हो। वैसे 1/2 कप चीनी एकदम परफेक्ट मीठा है ये। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे। चीनी और गाजर दोनों ही अपना पानी छोड़ेंगी, तो उस पानी को हमें सुखाना भी है, उससे ना हमारी गाजर की खीर टेस्टी बनेगी। तो 2 मिनट भूनने के बाद इसे हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, तो गाजर भी हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसे पकाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो चीनी और गाजर दोनों ने ही काफ़ी सारा पानी छोड़ा था, बहुत सारा पानी सूख भी गया है, बस थोड़ा सा ही पानी बचा है। तो बस इसी टाइम इसमें हम डाल देंगे चावल जो हमने क्रश करके रखा था। तो ध्यान रखिए, चावल इसमें हम कम डालेंगे क्योंकि हम गाजर की खीर बना रहे हैं, तो गाजर इसमें हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। बस अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो जो थोड़ा बहुत आप पानी देख रहे हैं ये भी सूख जाएगा। तो बस हल्का सा भूनने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे दूध। तो मैं इसमें 1 लीटर फुल क्रीम दूध डाल रही हूँ और ये उबला हुआ दूध है, तो मैंने मलाई के साथ ही डाला है। तो खीर बनाने के लिए ना फुल क्रीम दूध का यूज़ करिएगा, उससे ना आपकी खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 लीटर से ना कम दूध मत डालिएगा। आप चाहो तो दूध थोड़ा बढ़ा के डाल सकते हो, लेकिन कम मत डालिएगा। अब मैंने यहाँ पे 1/3 कप मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर डालना वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है, इसमें एक रिचनेस आ जाती है। तो मैं तो आपसे कहूँगी आप ज़रूर डालिएगा, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो इसे आप स्किप कर सकते हो। बस हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस अब इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए पकाएंगे। साइड में जो मलाई जम रही होगी ना, इसे भी आपको निकालते रहना है और तब तक पका लेंगे जब तक खीर हमारी हल्की गाढ़ी नहीं हो जाती। तो थोड़ी देर पकाने के बाद आप देख सकते हो खीर हमारी हल्की गाढ़ी हो गई है। तब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से कटे हुए काजू और बादाम, और फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून इलायची पाउडर। बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसे हम और पका लेंगे। तो गाजर की खीर को गाढ़ी या पतली जैसी भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी मत करिएगा क्योंकि ठंडी होने के बाद अभी ये और गाढ़ी हो जाएगी। और अगर आपकी खीर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तब आप इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हो। मैंने भी इसमें थोड़ा सा दूध और डाला था। तो बस देखिए, खीर मेरी बढ़िया सी गाढ़ी हो गई है, चावल इसमें एकदम अच्छे से पक गया है और गाजर के लच्छे भी आप देख रहे हैं एकदम बढ़िया से दिख रहे हैं, और टेक्स्चर देखिए एकदम गाढ़ी और रबड़ीदार हो रहा है। तो बस अब इसे हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, तो अब हम गैस को बंद करेंगे और चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। आप इसे गरम खाएं या ठंडी करके खाएं, दोनों में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाने में देखिए कितनी आसान भी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।